अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। पैडागॉजी के एक और एमसीक्यूज जो हैं और इसके पैडागॉजी से रिलेवेंट जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफपीएससी, पीपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, जिनके अंदर जो टीचिंग प्रैक्टिस का पोर्शन जो है वो आता है 20-30 मार्क्स का, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है, ठीक है, तो उसको हम कवर कर रहे थे जिसका आज पार्ट नंबर 6 करेंगे हम पैडागॉजी से जो रेलेवेंट है। इससे पहले हमने कुछ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व किए और कुछ पैडागॉजी के एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व किए। आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, डैश आर विजुअल फ्रेमवर्क्स टू हेल्प द लर्नर मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। अब विजुअल फ्रेमवर्क्स कौन से हैं इनमें से जो कि लर्नर को हेल्प करें ताकि वो कनेक्शन कर सके बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक चार्ट्स और नन ऑफ दीज। बेसिकली ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं, ऐसे विजुअल फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम जो लर्नर है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के कनेक्शंस क्रिएट कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर डैश ऑफ देयर आइडियल फॉर्म। सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं वो डैश कंडीशन में हो तो उनकी आइडियल फॉर्म होती है। क्या वो शेडोज की फॉर्म में हो, इमेजेस हो, पार्ट्स हो या साइंस हो, तो सोक्रेट्स कहता है कि शेडोज की फॉर्म जो है, फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो शेडो फॉर्म है वो उनकी आइडियल फॉर्म होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। When the topic or an area of a course contain a lot of information, किसी भी topic के अंदर या किसी course के अंदर जो lot of bundle of information जो उसके अंदर hidden होती है, it is recommended to use, तो उसको convey करने के लिए कौन सा method जो है वो use करना चाहिए, क्या lecture method use करना चाहिए, inquiry based method use करना चाहिए, कोऑपरेटिव मेथड यूज करना चाहिए या असाइनमेंट मेथड यूज करना चाहिए। तो ऐसा एरिया या ऐसा टॉपिक जहाँ पे अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आपको उसके बारे में लेक्चर देना चाहिए, ना कि उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। कोऑपरेटिव मेथड भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही आप उसकी असाइनमेंट दे सकते हैं, तो आप उसके ऊपर लेक्चर देंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन योर व्यू विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इफेक्टिव प्रोसेस कौन सा है, ठीक है, फैक्टर कौन सा है इनमें से, टीचिंग मटेरियल्स, स्टूडेंट्स, टीचर, द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। तो जो टीचिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो टीचर होता है। टीचर नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो, अगर क्लास का एनवायरनमेंट, क्लास मेंटेन्ड है और सेल्फ डिसिप्लिनड है, सब कुछ है, लेकिन अगर टीचर ही अवेलेबल ना हो तो हम लेक्चर कन्वे नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन ऑर्डर टू मेक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अ सक्सेस, व्हाट शुड अ टीचर डू। ठीक है, टीचर का जो मेमोरी लेवल है टीचर की सक्सेस को जो डिफाइन करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर। क्या लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो होने चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर। Recall and rehearsal of the learned material should be done at short intervals, ठीक है, थोड़े थोड़े intervals के बाद आपने जितना पीछे topic पढ़ा दिया उसको recall करवाएं और उसकी rehearsal करवाएं यानी repeat करवाएं। फिर उसके बाद subject matter should be meaningful and interesting before presenting it to pupils. Subject जो है आपका interesting होना चाहिए, ठीक है, ताकि शुरू ही से जो listener है, जो audience है या जो students हैं वो interest लेके उसको सुने, ठीक है, उनका इंटरेस्ट ताकि डेवलप हो सके। तो आपको पहले से ही उसको बिल्कुल स्टार्ट से ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। और तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब इनमें से कौन सा जो है वो यूज करेंगे हम ताकि हम करेक्ट रिस्पॉन्सेज को जो है इंक्रीज कर सकें और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्हांस कर सकें। प्रेज करना, रिवॉर्ड्स देना, इग्नोरेंस और स्ट्रिक्टनेस। इग्नोरेंस एंड स्ट्रिक्टनेस तो इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, रिवॉर्ड एंड प्रेज जो है, प्रेज बेसिकली अगर हम देखें तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर लगता है ताकि हम स्टूडेंट्स के अंदर अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को इम्प्रूव करवाएं और साथ साथ इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करवाएं।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन. ऐसे रिस्पॉन्सेज जो प्रोड्यूस करें एक सेटिस्फाइंग इफेक्ट किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है, बिकम डैश टू अकर अगेन इन द सिचुएशन. ठीक है, तो उनके क्या वो नॉट लाइकली टू अकर होते हैं, इक्वली लाइकली, लेस लाइकली और मोर लाइकली. तो मोर लाइकली टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन, जो जिनके सेटिस्फाइंग इफेक्ट्स होते हैं वो मोर लाइकली होते हैं, यानी उनका दोबारा अपीयर होने का या दोबारा अकरेंस का चांस जो है वो ज्यादा होता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. जीन पिगेट प्रपोज्ड डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कितनी होनी, कितनी है, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराग्रामेटिज्म इज इन एजुकेशनल फिलोसफी सेज दैट एजुकेशन शुड बी अबाउट. अब पैराग्रामेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल फिलोसफी के अंदर, वो क्या बताता है हमें कि एजुकेशन को क्या होना चाहिए, ओबीडियंस शुड बी अबाउट, ओबीडियंस होनी चाहिए एजुकेशन, वर्च्यूज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइफ एंड ग्रोथ के बात होनी चाहिए, या फिर शेपिंग गुड सिटीजन होना चाहिए. तो जो लाइफ एंड ग्रोथ अगर हम देखें तो वो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है. लाइफ के अंदर ओबीडियंस भी आ जाती है, ठीक है, वर्च्यूज भी आ जाते हैं और शेपिंग गुड सिटीजन भी आ जाता है. लाइफ एंड ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर. आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है जी, देयर आर डैश लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म. 3 लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के अंदर इनमें से कौन से जो ऑप्शन है उसका रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में, ठीक है. नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर पेरेंट्स, नंबर ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क गिवन, नंबर ऑफ हाउसेज एंड डेज ऑफ द स्कूल. अच्छा, अगर टीचर पेरेंट्स होंगे, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा. अगर क्लास वर्क और होमवर्क जितना दिया जाएगा ज्यादा, बच्चा उतना चीजों को रिपीट करेगा और उसका नॉलेज इंक्रीज होगा. और वर्किंग हाउस एंड डे ऑफ द स्कूल, ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. जो मिड टर्म्स एग्जाम होते हैं या जो सेकेंड टर्म एग्जाम होते हैं, अगर स्टूडेंट उनके अंदर कोई फेल हो गया है, तो आप स्टूडेंट्स की बीइंग अ टीचर कैसे हेल्प कर सकते हैं. बाय गिविंग ग्रेस मार्क्स, बाय रीटीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, बाय होल्डिंग री एग्जामिनेशन और बाय आस्किंग पेरेंट्स टू अरेंज प्राइवेट ट्यूशन. ठीक है, अच्छा, अब बीइंग अ टीचर जो है वो ग्रेस मार्क्स देना या री एग्जामिनेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा. ठीक है, इसी तरह अगर आप प्राइवेट ट्यूशन भी अरेंज करते हैं तो जो स्टूडेंट्स को उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि बाय रीटीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनको क्लियर किया जा सके. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द फ्रेज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान मीन्स. इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान का क्या मतलब है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल फॉर ईच चिल्ड्रन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ ईच चाइल्ड एंड ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, और उनको एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो इक्वली अवेलेबल होना चाहिए कंट्री के अंदर. ड्यूरिंग फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग द टीचर पासिस. अब फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग की अगर टेक्निक टीचर यूज कर रहा है, तो टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, रिटन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चन. तो टीचर को ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पास करना चाहिए. नेक्स्ट है, डैश इज द फॉर्म ऑफ डिस्कशन दैट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. इफ द स्टूडेंट्स देन फॉर्मुलेट स्टूडेंट्स पेयर, देन द पेयर्स आर यूज्ड टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. तो इसको हम इस तरह की सिचुएशन में जहां पे डिस्कशन जो है वो पेयर्स की फॉर्म में स्टूडेंट कर रहे होते हैं, उनको डिस्कशन वेब कहते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन अ लर्नर इज स्टडिंग सिंपली बिकॉज वर्क इज असाइंड बाय द टीचर ही इज डूइंग,
अगर सिर्फ स्टूडेंट इसलिए काम कर रहा है या इसलिए पढ़ रहा है कि उसको असाइनमेंट मिली है और उसने असाइनमेंट को कवर करना है अपनी, तो इस तरह की अप्रोच को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सेंसरी लर्निंग, कॉग्निटिव और नन ऑफ दीज। तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड कॉग्निटिव मेमोराइजिंग। नेक्स्ट है राउंड टेबल डिस्कशन इन्वॉल्व्स डैश पार्टिसिपेंट्स। अब जो राउंड टेबल होता है उसमें मिनिमम कितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए? 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। डैश इज अ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव अ शॉर्ट पीरियड टिपिकली 30 seconds टू शेयर ऑल दे नो अबाउट राइट ऑल दे नो बाय राइटिंग इन अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट टाइम पीरियड दिया जाए अराउंड 30 seconds का, जिसमें वो जो उनकी नॉलेज है ठीक है उसको राइट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्विक राइट, क्विक ऑर्डर, क्विक रिस्पॉन्स और क्विक डिस्कशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्विक राइट। नेक्स्ट है जी डैश इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड टू लर्नर्स बिगनिंग विद अननोन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स टू नो कॉन्सेप्ट्स। अब डैश क्या है कि इस इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इनमें से कौन सी है जो जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हो ठीक है और जो प्रेजेंट कर रहे हो लर्नर्स की बिगनिंग लेवल को विद अननोन कॉन्सेप्ट्स ठीक है एंड प्रोसीडिंग्स टू अननोन कॉन्सेप्ट्स। तो नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, अननोन टू अननोन, नन ऑफ दीज। तो अननोन था पहले, वो उसके पास उस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी, कॉन्सेप्ट नहीं था कि उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का, और फिर उसके बाद वो उसके बारे में लर्न कर रहा है ठीक है, तो वो नोन टू अननोन टू नोन होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे एज ज्यादा हो जाती है लोगों की ब्रेन श्रिंक्स कर जाता है ठीक है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ कोर्स टू असाइन स्टूडेंट्स अ कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड, ऐसी असेसमेंट जो कि किसी कोर्स के आखिर पे इख्तिताम पे की जाए और स्टूडेंट्स को उस जो असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड्स भी दिए जाएं, इस तरह की उसको क्या कहते हैं अप्रोच को? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटेम्पररी असेसमेंट या सुमेटिव असेसमेंट। तो इस तरह के अप्रोच को सुमेटिव असेसमेंट की जाती है जो जनरली हमारे स्कूल कॉलेजेस में अप्लाई भी की जाती है। डायलेक्टिक और डायलेक्टिकल मेथड इज अ डिस्कोर्स बिटवीन अपोजिंग पार्टीज टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ थ्रू इन्वेस्टिगेशन, डायलॉग्स, रीजंड आर्गुमेंट्स और प्रेजेंटिंग प्रूफ्स। अच्छा, डायलेक्टिक या डायलेक्टिकल जो मेथड है जो उसको हम क्या किस तरह से एस्टैब्लिश किस तरह से करते हैं? थ्रू रीजंड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट है टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना क्या क्या कहलाता है? एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, सिंथेसाइजिंग, ओरिजिनेटिंग। Analyzing is the correct option. Validity of an assessment relates to the dash of an assessment. Validity को किसी भी assessment की validity जो है वो किस चीज को relate करती है? Usefulness को, quality को, consistency को या relevance को? Relevance जो है वो validity को जो है वो interlink करता है basically, ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोसूर एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल बर्डन, सोसाइटी, पास्ट मेमोरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सोसाइटी। प्लेटो बिलीव्स दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर, प्लेटो के अकॉर्डिंगली जो टैलेंट है और जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज। तो जो प्लेटो के अकॉर्डिंग जो टैलेंट है या इंटेलिजेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली नहीं होती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरियंस, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी ऐड किया हुआ है, और जो अभी पीछे ये लेक्चर इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था उसमें भी एंड का अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो आपको आइडिया होगा कि लास्ट का पोर्शन जो है वो उन्होंने मैथमेटिक्स का भी दिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो जब भी आप टीचिंग प्रैक्टिस का पोर्शन करें तो उसमें मैथमेटिकल के जो बेसिक रूल्स हैं उनको भी रिवाइज जरूर करें। ओके, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ द वेरियंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरियंस का क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूबिक रूट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। We calculate average marks of the student in the way as we calculate. Average किस तरह से निकाली जाती है? Average is the synonym of arithmetic mean, ठीक है? Arithmetic mean का जो है वो उसको हम average भी कह सकते हैं। Average कैसे निकाली जाती है? Total divided by number of जो भी goods हैं या जो भी है, ठीक है? उनका total और divided by their number. So next है जी, the डैश इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड्स आउट पॉइंट आर फॉर्म ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर दैट हाउ स्प्रेड्स आवर पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। मीन पोजीशन से जो हमारी एवरेज पोजीशन होती है उससे हमारे जो गिवन पॉइंट्स होते हैं या हमारा जो गिवन डाटा उसके उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा होता है बेसिकली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु एडवोकेट्स रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर्स care and raising them as ward of the state. Socrates, Plato, Aristotle, John Locke. Okay. कौन जो है वो advocate करता है removing children from their mother's care? ठीक है, Plato जो है उसने ये theory दी थी। Next है जी, in case of spending money, the virtue is dash between wastefulness and stinginess. ठीक है, जेनरॉसिटी जो है इन केस ऑफ स्पेंडिंग मनी द वर्च्यू इज जेनरॉसिटी बिटवीन वेस्टफुलनेस एंड स्ट्रिंगीनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन। चिल्ड्रन को क्या चीज जो है वो स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस करवानी चाहिए ताकि वो बेटर सिटीजन बन सकें। रूल्स को फॉलो कराना चाहिए, डिसिप्लिन को, डेमोक्रेसी को या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को। तो बेटर सिटीजन बनने के लिए उन्हें डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो होना चाहिए, उनपे उनको डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपीरियंस करवानी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लॉ ऑफ इफेक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज इन डैश। अब लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किस में यूज होते हैं? इफेक्टिवली यूज इन एक्सेलरेट लर्निंग, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग मेथड्स। जो लॉ ऑफ इफेक्टिव जो है वो बताता, लॉ ऑफ इफेक्ट है वो क्लासरूम मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है। द सिचुएशन, द सेटिएशन टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट is a technique where instead of punishing negative behaviors, the teacher might decide to actually the negative behavior. Okay, satiation technique जो है classroom management की वो क्या है technique, जहाँ पे students को जो negative behavior है उसके लिए punish करने के बजाय उनको क्या किया जाता है, encourage करते हैं, उनको discourage करते हैं, ignore करते हैं या divert करते हैं। तो उनको encourage किया जाता है, actually encourage the negative behavior. A successful teacher's most important function किसी भी successful teacher का क्या है? Helping students to become good played, to develop love for books among children, helping students to pass examination, develop thinking abilities among children. So teacher का जो role है basic इन सब में से वो develop thinking abilities and among children होना चाहिए। So option D is the correct option. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज है रिगार्डिंग द टॉपिक, और अगर यहाँ आपको कोई टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, किसी टॉपिक को समझने में आपको परेशानी महसूस हो रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उस टॉपिक को हम डिटेल में देख सकें और बाकी स्टूडेंट जो हैं उसे उनके लिए वो भी यूजफुल रहे। हैप्पी लर्निंग।